चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। ठीक 20 साल पहले आपको कैसी लड़की चाहिए जमींदार जी? हमें एक गरीब घर की लड़की से शादी करनी है जो गरीबों का दुख समझे, उनकी मदद करे और हमारी जमींदारी का कभी भी गलत फायदा ना उठाए। सरकार, आपकी इच्छा सर आंखों पर, सारा इलाका छान मार के हम कुछ रिश्ते लाए हैं, आप इनमें से एक लड़की चुन के उसका भाग्य बदल दीजिए। चुने हुए रिश्तों में से जमींदार राजेंद्र नाथ पास के गांव में पली बड़ी एक गरीब घर की सुंदर सुशील लड़की कंचन को शादी के लिए पसंद करते हैं। विधि पूर्वक शादी खत्म होने के बाद कंचन देवी को ससुराल छोड़ने उनका छोटा भाई शारंग भी आता है साथ में। शादी को 2-3 दिन बीत गए हैं और इधर जमींदार जी की पत्नी कंचन देवी, मालती, सुजाता, कुमोद, अरे कहाँ हो सब लोग? जी मालकिन, हुक्म कीजिए। हुक्म? हुक्म किस बात की मालती, हम तो बचपन की दोस्त है ना। तब की बात अलग थी, अब तो आप जमींदार जी की पत्नी हैं, इस महल की मालकिन। बिल्कुल नहीं, हम सब इस घर के सदस्य हैं। तुम तीनों अभी भी मेरे बचपन की वही सहेलियां हो और हमेशा रहोगे। नाम जलेबी बाई, जलेबी बाई। अरे ये कौन है? ये मेरी बेटी है जलेबी। जलेबी? ये कैसा नाम है, कोई सीधा नाम नहीं मिला। जलेबी है नाम मेरा, टेढ़ों को सीधा करना है काम मेरा। जमींदार जी का साला शारंग बहन के शादी के मौके पर उसके ससुराल तो आ गया, पर जमींदारी का थाट बाट देखकर कभी वापस जाने को सोचा ही नहीं। और इधर जमींदार राजेंद्र नाथ जी ठहरे एक नेक दिल के इंसान, अपने साला को छोटा भाई जैसा प्यार देने लगते हैं। उसका पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, पहनना, सबका अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। पर एक दिन शारंग के मास्टर जी, जमींदार जी, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर आपका साला शारंग एकदम बदमाश लड़का है। सारे बच्चों को स्कूल ना जाने के लिए उसकाता रहता है और जो उसके बातों से हटा तो उसको आपकी जमींदारी का डर दिखा के मारता पीटता है। कुछ दिन पहले तो हिंदी मैडम के साथ भी बदतमीजी की। क्या? ये बहुत गलत बात है शारंग, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज से तुम हमारे खेती बाड़ी का काम देखोगे। जमींदार जी के कहने पर शारंग उसी दिन से दिन में खेतों का काम और रात को मुनीम से कारोबार का हिसाब किताब सीखने लगा, पर हरकत तो वैसे का वैसे ही था। क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कैसे परेशान ना हूँ, तुम्हारा वो भाई आए दिन हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाते जा रहा है, अब कितना समझाएं हम उसे। आप मेरे भाई को ऐसे मत बोलिए, बच्चा है वो, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। आपको मेरी सौगंध, आप हम दो भाई बहन को अलग मत कीजिए, उसका इस दुनिया में हमारे अलावा और कौन है भला। इधर कंचन देवी जमींदार को समझा बुझा के अपने भाई को राजेंद्र महल में रखे हैं। अच्छा, मेरी
प्यारी बहना को ढाल बना के इस जमींदार का जमींदारी न छीन लिया तो मेरा नाम भी शारंग नहीं। शारंग रंग तो मेरे नाम में ही है, बस सही समय पे बदलता रहता हूँ। ए चोरी सुन तो इधर। देखिए मालिक, हमें ये सब पसंद नहीं है, आप हमें जाने दीजिए। तेरी पसंद या ना पसंद को किसकी पड़ी है, हमें जो पसंद आ गया वो भाग गया। शारंग राजेंद्र महल में काम करने वाली सारी लड़कियों के साथ बुरी तरह से पेश आता था, उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करता था और उनका गलत फायदा भी उठाता था। जो आवाज उठाने की कोशिश करती थी उसे धमका कर, पैसे देकर, नहीं तो मार मार के चुप कर दिया जाता था। एक दिन, अरे मालती, तू पिछले एक हफ्ते से काम पे नहीं आई, क्या बात है? क्या बताऊं मालकिन, जाने दीजिए। क्या बात है मालती, खुल के बोलो। मालिक, मेरी बेटी जलेबी गलती से पेट से हो गई थी, हमें बच्चा गिराना पड़ा, इसीलिए। क्या, किसने की ऐसी गिरी हुई हरकत? जाने दीजिए मालिक, गलती हो गई हमसे। तुम्हें जो पूछा गया है सीधा सीधा उसका जवाब दो। अब मालती शारंग की गिरी हुई हरकतों के बारे में जमींदार और उनके पत्नी को बता दी। और जमींदार जी, शारंग तुम्हें अभी इसी वक्त जलेबी से शादी करनी होगी। जमींदार जी के हुक्म के मुताबिक शारंग को मजबूरन जलेबी से शादी करनी पड़ती है। देख जलेबी, हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है, मुझे तेरे से कोई खास लगाव नहीं है। वैसे मुझे भी कुछ खास लगाव नहीं है आपसे, पर हम दोनों का मकसद तो एक है ना, क्यों ना साथ मिलके इस पूरी जमींदारी का मालिक बन जाए। हाँ, लगता है शारंग और जलेबी कुछ बड़ा षड्यंत्र रचने वाले हैं। और राजेंद्र महल से दूर एक गांव में रेशम नाम की एक सुंदर सुशील लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। बचपन में ही अपने माँ को खो देने के बाद उसके पिताजी ही उसका सब कुछ थे। बाबूजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। रेशम बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है कॉलेज में, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। रेशम जल्दी आ, नहीं तो हम कॉलेज के पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। रेशम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज निकल गई और रास्ते में चलते चलते उसे दूर एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। रेशम इतना बड़ा महल कभी नहीं देखी थी। अरे, इतना बड़ा महल किसका है, कितना सुंदर दिख रहा है। तुझे नहीं पता, ये तो जमींदार राजेंद्रनाथ जी का महल है। गांव के लोग बोलते हैं ये महल बहुत बड़ा है और बेहद सुंदर। काश मैं भी कभी इस महल के अंदर जा पाती। रेशम को जमींदार जी का इतना बड़ा महल देखकर वहां पे जाने का बहुत मन करता है। ए रेशम, कहाँ खो गई? चल कॉलेज चलते हैं। फिर रेशम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज चली जाती है। अरे जमींदार जी की तो बात ही कुछ और है, नौकर चाकर का भी अच्छा खासा ख्याल रखते हैं वो, देवता समान इंसान है। देखा नहीं, एक नौकरानी की बेटी को अपने साला के साथ शादी करवा दिए। पर उनका साला एकदम कमीना इंसान है, सुना है उस लड़की के साथ कुछ चक्कर वक्कर चल रहा था उसका, जरूर पकड़ा गया होगा। हाँ, बड़े घर की बड़ी बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। अच्छा वो सब छोड़, ये बीच वाली लड़की कौन है? अरे ये तो हमारी रामनाथ की बेटी रेशम है, बेचारी बड़ी अभागन है, बचपन में ही माँ को खो दी। जो भी हो, लड़की तो लाखों में एक है, खूब सुंदर।
ये तो रेशम के गांव की बात है। चलिए देखते हैं राजेंद्र महल में क्या हो रहा है। क्या जरूरत थी, मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम गरीब गांव वालों से उनके जमीन छीनते रहे और मुझे इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी। जीजा जी, क्या फर्क पड़ता है गांव वाले अपने खेतों में काम करें या हमारे खेतों में। हमारे पास जमीन रहेगी, वो लोग काम करने आएंगे, उनको मिलेगा तनख्वाह और हमें मिलेगी जमीन की फसल। इसमें तो दोनों का बराबर फायदा है। नहीं शारंग, हमारे खानदान में जो जमीन किसी को दे दी जाती है कभी भी वापस नहीं लिया जाता। मुनीम जी, मुझे आज शाम को सारा हिसाब दिखाइए, आज से मेरे मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। शारंग गांव वालों की जमीन छीन लेता था, ये बात जानकर जमींदार जी बहुत गुस्सा हो गए और आज से सब हिसाब किताब खुद देखने का फैसला ले लिए। सरकार, हमारी गलती नहीं है, सब शारंग जी के कहने पर हुआ है। गांव के लोगों से जमीन हड़पना उनका प्लान था, हमें माफ कीजिए सरकार। बहुत हो गया आप शारंग का, कल सुबह होते ही गांव वालों के सामने उसे जलील करके इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। जमींदार जी का ये फैसला शारंग छुपके सुन रहा था और वो बहुत डर गया। क्या हुआ, कहाँ घोटाला करके आए हो? जीजा जी को सब पता चल गया, कल सुबह होते ही मुझे गांव से निकाल देंगे। ऐसे एक एक करके शारंग अपना किया धरा जलेबी को सुनाता गया। नौकर चाकर तो सब सो गए होंगे, बेचारी बुढ़ी भी लुढ़क गई होगी और जमींदार जी तो अकेले बैठे होंगे बैठक में। देखिए, काम निपटाने के लिए आज से अच्छा दिन और कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों? फिर जलेबी के प्लानिंग के हिसाब से शारंग और जलेबी मिलकर दबे पांव जमींदार जी के बैठक में जाते हैं और समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक जमींदार जी का खून कौन कर सकता है। फिर सबका संदेह गया कुमुद और हरिया के ऊपर, क्योंकि वो दोनों उसी रात से गायब हो गए थे और साथ में जमींदार जी के बैठक से 2 लाख रुपया भी उड़ा लिए थे। जमींदार जी का अंतिम संस्कार करने उनका इकलौता बेटा समीर शहर के हॉस्टल से आया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो भांजे, तुम तुम्हारे पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, मैं सब संभाल लूंगा। आखिर जीजा जी मुझ पे इतना भरोसा जो करते थे। बहला फुसला कर बातें करते करते शारंग और जलेबी दिन ब दिन सबके नजर में बहुत अच्छे बनते जा रहे थे और जमींदार जी की पत्नी तो अपने भैया भाभी पे आंख मूंद के भरोसा करती थी। ऐसे कुछ साल बीत गए और एक दिन, दीदी मैं खेतों पे जा रहा हूँ, आज चावल खरीदने व्यापारी आएंगे। हाँ ठीक है, सही सही दाम लगाना समझा? ठीक है दीदी, चिंता मत करो, आखिर जीजा जी ने जो सिखाया है मुझे कि व्यापार कैसे करते हैं। कंचन के पति राजेंद्र नाथ जी तो अभी दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए जमीन का सारा हिसाब किताब शारंग के हाथ में था। देखिए शारंग जी, 50 किलो चावल बोरी का 2500 हुआ, ऐसे ही हम 100 बोरियां ले लेंगे आज, तो ये रखिए 2.5 लाख रुपए। अरे आप तो हिसाब में पक्के हैं, हमेशा सही दाम जो लगाते हैं। चावल बेच के शारंग 2.5 लाख रुपए लेकर घर आया। शारंग, चावल कितने में बेचा?
कहाँ ज्यादा फायदा हुआ दीदी। आजकल व्यापारी भी सही दाम नहीं लगाते, हर जगह घोटाला। जमाना बदल रहा है दीदी। ये लो, कुल 1,00,000 मिला है। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। इनके जाने के बाद तू ही तो सब कुछ संभाल रहा है इतने सालों से। शारंग ऐसे ही हर बार घोटाला करके आधे से ज्यादा पैसा अपने जेब में डालता रहता था। जलेबी रानी, जलेबी रानी, ये लो पूरा 1,50,000 है। संभाल के रखो, किसी की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, आज तक किसी को भनक पड़ी है जो अब पड़ेगा। देखते ही देखते कंचन का बेटा समीर शादी के उम्र का हो गया और उसके लिए लड़की देखने लगे। देख दीदी, तू जो भी कर, पर एक दहेज वाली बहू लाना। तुम्हें तो पता है आजकल फसल का कुछ ठिकाना नहीं रहा। क्या पता कल समीर को कैसा दिन देखना पड़े। तू समझ रही है ना दीदी। जमींदार के बेटे के लिए कैसी बहू चाहिए, ये मीडिएटर को बोल दिया गया और मीडिएटर भी झट से अपने पसंदीदा जगह पहुंच गया रिश्ता लेकर। देखो रामनाथ, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आएगा। सोच लो, इतनी बड़ी महल की इकलौती मालकिन, नौकर चाकर क्या कुछ नहीं है उस घर में। वो सब तो ठीक है, पर दहेज का इंतजाम कहाँ से करूँ। इतनी बड़ी रकम मेरे बस की बात नहीं है। रिश्तेदारी अपनी बराबरी में करनी चाहिए, हम उनके लायक नहीं है भाई। अरे तुम फिर से दिल छोटा कर रहे हो। मिलके कुछ जुगाड़ लगाएंगे हम। तुम शादी के लिए बस हाँ तो करो, तुम्हारी बेटी रानी बनेगी, रानी। इतना क्या सोच रहे हो, बेटी तुम्हारी, जमीन भी तुम्हारा, खरीदने वाला तो एक ही इंसान है, जमींदार जी का साला शारंग। तो घूम फिर के जमीन की मालकिन तुम्हारी बेटी ही रहेगी। पर वो जमीन हमारे पुरखों की आखिरी निशानी है, उसके अलावा हमारे पास और रखा ही क्या है। 30,00,000 देंगे शारंग जी बोले हैं, 30,00,000, समझ रहे हो। रामनाथ अपनी जमीन बेचकर बेटी के शादी में दहेज का रकम जुगाड़ करने राजी हो गया। आखिर उनकी बेटी राजेंद्र महल की रानी जो बनने वाली थी। और उस तरफ काम हो गया शारंग जी, रामनाथ वो जमीन बेचने के लिए राजी हो गया है, 30,00,000 में बेचने के लिए मान गया। अब आप हमारा कमीशन मत भूल जाना। शारंग, रंग तो मेरे नाम नहीं है, बस सही समय पे बदलता रहता हूँ। मीडिएटर की दलाली से रामनाथ का जमीन खरीदकर उसे 30,00,000 रुपए दे दिया गया। रामनाथ भी बड़ी होशियारी से दहेज के रकम को संभाल कर रखा। देखते ही देखते शादी की तारीख भी नजदीक आ गया। राजेंद्र महल में ऐसे साज सज्जा की गई कि महल की रोशनी से आसपास के इलाके भी चमकने लगे। इधर रेशम के घर पे सारे नए कपड़े और गहने हम पैक कर दिए हैं। कल और भी बहुत कुछ पैकिंग करनी बाकी है। तुम लोग नहीं होते तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती इतना सारा काम अकेले करने को। थैंक यू सो मच। दोस्त भी बोलती है और थैंक यू भी। लगता है दोनों तरफ शादी की तैयारी बड़ी जोरों से चल रही है। शादी में कुछ कमी ना रह जाए इसीलिए दोनों तरफ सब काम में लगे हुए हैं। बैंड बाजा बारात लेकर जमींदार जी का बेटा समीर पहुंचा रेशम के घर और सब जैसे चाहते थे शादी एकदम धूमधाम से खत्म हुआ। रामनाथ, शादी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। बेटी विदा करने का समय आ गया है, अब दहेज का रकम भी ले आओ। सबके सामने रामनाथ 30,00,000 रुपयों से भरा बैग शारंग को दे दिए। बेटी विदा होकर राजेंद्र महल भी पहुंच गई और कुछ देर बाद महल में
अरे क्यों बहू को घेर के बैठे हो सब लोग, जाओ यहाँ से, उसे थोड़ी आराम तो करने दो। बहू, तेरे बाबूजी ने दहेज का जो रकम दिया था वो कहाँ है? माँ जी, वो तो मामा जी को दिया गया है। हाँ दीदी, बहू एकदम सही बोल रही है। ये लो, मैंने तो अभी तक खोला भी नहीं, तुम्हारे बेटे की अमानत तुम ही खोलो। हाँ ला दे। जब कंचन देवी वो बैग खोले तो एकदम चौंक गए, क्योंकि बैग पूरा खाली था। ये कैसा मजाक है, इसमें तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। दीदी अच्छे से तो देख, इसका बाप इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा ना। अरे दीदी सही सोच रही है, धोखा हुआ है हमारे साथ, एक भी रुपया नहीं है इसमें। नहीं नहीं माँ जी, मैं खुद इस बैग में सारे पैसे गिन के रखी थी, बाबूजी से कोई गलती नहीं हुई है। शायद 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 क्या? हाँ, हमने चोरी कर लिया, ये बोलना चाहते हो बहुरानी? अरे ये तो घर में कदम रखते ही आपको चोर बोल दी, अब दीदी को पता नहीं कैसा दिन देखना पड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को चोर बोलने की? भिखारी कहीं की, एक रुपए की औकात नहीं और बड़ी बड़ी बातें। मेरा भाई लाखों लाखों में पैसा गिनता है और वो करेगा चोरी? हाँ, ससुराल में पैर रखते ही रेशम को दहेज के पैसे चोरी होने के कारण बहुत कुछ सुनना पड़ा। उसी बात को सोचते सोचते रेशम के लिए रात गुजारना भी मुश्किल हो गया। फिर अगले दिन सुबह, दीदी तुम्हारी बहू के बारे में क्या सोचा? अब क्या सोचना, जो होना था वो हो गया। क्या? देखो दीदी, आज वो इतना बड़ा धोखा किए हैं, क्या पता आगे और क्या क्या करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ दीदी, मेरी मानो तो पैसा वसूल करने के लिए घर के सारे नौकर चाकर को निकाल दो और बहू से ही सारा काम करवाओ, फिर कुछ ही सालों में सब वसूल हो जाएगा और बाप बेटी दोनों का दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा। हाँ बात तो सही है, इतना बड़ा धोखा तो माफी के लायक ही नहीं, जमींदार जी होते तो कभी बर्दाश्त नहीं करते। तुम एकदम सही बोल रही हो दीदी, जीजा जी। फिर कंचन देवी अपने घर के सारे नौकरों को बुला के उसी वक्त काम से निकाल देते हैं। ए रेशम, महारानी है तू जो सो रही है अभी तक, घर का सारा काम पड़ा है यहाँ पे। माँ जी मैं तो पूजा कर रही थी। तो क्या हुआ, दिखावे का पूजा चल रहा है यहाँ पर, घर का काम कौन करेगा? मैं अभी करती हूँ मामी जी। उसी दिन से रेशम अकेले पूरे घर का काम करने लगी और दहेज का पैसा कहाँ गया ये सोच सोच के परेशान भी रहती थी। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की होने के कारण ना ससुराल में किसी को पलट के जवाब दे पाती थी, ना ही मायके में अपना दुख बोल सकती थी। फिर एक दिन, पैसा चोरी कैसे हो सकता है, मेरे सामने तो बाबूजी बैग खोल के सबको दिखाए थे, फिर कौन करेगा चोरी? हमारे मुनीम जी भी तो वहाँ पे थे, एक बार उनसे पूछ लेती हूँ, हाँ शायद वो कुछ जानते होंगे। रेशम मुनीम जी से मिलने बैठक में जाती है, पर वहाँ पर जलेबी रानी मिल जाती है और रेशम कुछ पूछ भी नहीं पाती। क्या हुआ बहू रानी, घर का इतना सारा काम छोड़ के यहाँ पे क्या करने आई हो? जी मामी जी, मैं तो चाय के लिए पूछने आई थी। नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, और याद रखो यहाँ पे बाहर के लोग आते रहते हैं, ऐसे बिना बुलाए मत आ जाना। रेशम का मुनीम से बात करने का प्लान फेल हो गया, पर वो बात को अच्छे से मैनेज कर ली। लगता है रेशम वो भोली भाली बहू नहीं जो भीगी बिल्ली बन के रहेगी, ये तो हमें समय ही बताएगा। और तभी, बहू रानी, मुनीम जी आप?
छोटे मालिक से कुछ बात करनी थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो फैक्ट्री चले गए हैं, आप मुझे बोल दीजिए, मैं बोल दूंगी उन्हें। शाम को महल के पीछे वाले बगीचे में मिलना, कुछ बताना है, किसी को बोलना मत, मैं चलता हूँ। मुनीम का ऐसे डर डर के बात करने का तरीका रेशम को कुछ हजम नहीं हुआ। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है, मुनीम जी से मिलना ही पड़ेगा। हाँ, शाम हो गई, मुनीम जी से मिलने बगीचे में जाना है, पर ये मामी जी तो हमेशा बिल्ली के तरह रास्ता काटती रहती हैं, उनसे बच के कैसे जाऊं? रेशम को मुनीम जी से मिलने बगीचे में जाना था, पर अचानक एक आवाज सुनाई दी। अरे जल्दी आओ, मुनीम जी को कुछ हो गया, कहाँ हो सब लोग, आओ जल्दी। मामा जी शारंग के ऐसे चिल्लाने से सब जाकर मुनीम जी के कमरे में पहुँच गए और वहाँ पर मुनीम जी जमीन पर पड़े हुए मिले। मुनीम जी नहीं रहे, लगता है उनको हार्ट अटैक हो गया। कितनी बार बोला था डॉक्टर दिखा दो एक बार, पर नहीं, मेरी एक भी नहीं सुने मुनीम जी। ये कैसे हो सकता है, मुनीम जी तो अभी अभी मुझसे मिलके गए थे और उनका तबीयत भी सही था, हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब हॉस्पिटल लेकर क्या फायदा, मुनीम जी तो नहीं रहे और हार्ट अटैक का क्या, कभी भी हो सकता है। मुनीम जी कैसे मरे किसी को कुछ पता नहीं चला। शारंग और जलेबी जैसे जैसे समझाए सब ठीक वैसे ही मान गए। और रेशम, अब मुनीम जी भी नहीं रहे, आखिर क्या बताना चाहते थे वो। और दहेज के चोरी होने के बारे में मैं अब किससे पूछूं? दहेज का पैसा गायब होते समय मामा जी थे, मुनीम जी मरते समय भी मामा जी ही थे, कहीं मामा जी। ऐसे सोचते सोचते सुबह हो गई। देखा दीदी, 9 बज गया है पर चाय नाश्ता कुछ भी नहीं मिला। दीदी एक काम करो, फिर से नौकर चाकर ही रख लो, नहीं तो हम ऐसे भूखे ही मर जाएंगे। क्यों, वो कहाँ मर गई, घर का सारा काम तो उसी से ही करवाऊंगी, घर पे कदम रखते ही हमारे मुनीम जी को खा गई। लगता है बहू इस हवेली के लिए अशुभ है। रेशम, रेशम। जी माँ जी। जमींदार घर के मुलायम बिस्तर पे सोने के बाद नींद नहीं खुलती क्या, अभी तक हमें चाय क्यों नहीं मिली और नाश्ता कब बनेगा? माँ जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहाना तो देखो इनका, तो नाश्ता कौन बनाएगा? मामी जी आप एक दिन नाश्ता बना दीजिए ना। क्या, मैं बनाऊंगी नाश्ता? भिखारी घर की लड़की मुझे हुकुम देने लगी है, देख रही हो दीदी? भिखारी कौन है मामी? तू और तेरा बाप। देखिए मामी जी, पूरे ताम झाम के साथ मुझे इस महल में बहू बना के लाया गया है, किसी और की तरह चालबाजी करके ब्याह नहीं रचाया है मैंने। मामी जी से इज्जत से बात करो बहू। इज्जत पाने का इतना शौक है तो मामी जी को बोलिए दूसरों का इज्जत करना भी सीखे। अपना मुंह बंद रख और जल्दी जाकर नाश्ता बना, जा यहाँ से। सुना है जमींदारों को काम करने की आदत नहीं होती, नौकर चाकर से ही सारा काम करवाते हैं, पर आप तो कोई जमींदार हो नहीं, काम करने की आदत तो बचपन से ही होगी, क्यों? आज रेशम पलट के ऐसे जवाब दे दी कि सबकी बोलती बंद हो गई और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। दीदी आपके सामने वो मुझे ऐसे अनाप शनाप सुना के चली गई और आप कुछ भी नहीं बोले। क्या पता बहू की तबीयत सच में बहुत खराब होगी। सब ड्रामा है दीदी, तुम्हें शायद समझ नहीं आया, अब वो हमें इस घर से निकालने की तैयारी में लगी हुई है।
और हमें इस घर से निकालने के बाद दीदी का क्या हाल होगा भगवान ही जाने। दोनों मिलके रेशम के खिलाफ उसके सास के कान भरते समय समीर फैक्ट्री निकल रहा था। माँ, मैं कुशलपुर वाला फैक्ट्री जा रहा हूँ, सुनने को आया है वहाँ पे किसी ने बड़ा घोटाला किया है। समीर बेटा, माँ का हालत तो एक बार पूछ ले। क्या हुआ है माँ को? क्या होगा, तेरी बीवी घर का एक भी काम नहीं करती, ऊपर से कुछ बोलो तो पलट के जवाब देती है। नहीं नहीं माँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी, रेशम ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। समीर अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता था कि उसके पास ना तो बीवी की हाल पूछने का समय था, ना ही माँ के साथ बैठ के बात करने की, और इसका फायदा उठाते थे शारंग और जलेबी। दीदी दीदी, आ आ, मैं किचन में खाना बना रही थी, अचानक से मेरे पैर में मोच आ गया, उम्र भी हो गई है ना, अब काम कहाँ कर पाती हूँ, आगे और नहीं हो पाएगा मेरे से, बहू से ही करवा लो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। रेशम, ए रेशम। जी माँ जी। मामी के पैर में मोच आ गया है, अभी तुम खाना बना दो। बस उतना ही नहीं दीदी, वॉशिंग मशीन भी खराब हो गया है और मैं कुछ कपड़े भी भिगा दी हूँ, धूप जाने से पहले वो सब भी साफ हो जाना चाहिए। अब रेशम को ही खाना बनाना है, फिर वो जल्दी जल्दी खाना बनाकर बाथरूम में कपड़े धोने गई, और कपड़े धोते समय रेशम के हाथों में कुछ चुभने लगा। अरे इसमें क्या है? तब रेशम को मामा जी के कुर्ते के पॉकेट से एक मेडिसिन मिला। अरे ये तो हार्ट अटैक वाला डिजोक्सिन टैबलेट है, और मामा जी के पॉकेट में। अब रेशम को सब समझ में आने लगा, मामा जी के पॉकेट से डिजोक्सिन टैबलेट्स मिलना, मुनीम जी का ऐसे अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाना, ये सब इत्तफाक नहीं था। पर रेशम किसी को भी इस बारे में नहीं बताई, क्योंकि क्या पता मामा जी के साथ और कौन कौन मिले हुए हैं। जलेबी रानी, मेरा वो हरा कुर्ता कहाँ गया? वो मैंने धुलवा दिया है, और वो भी उसी मुंह फट रेशम के हाथों से। सुबह बहुत जुबान चला रही थी, कल से चुप रहेगी। अरे ये क्या कर दिया, उस कुर्ते के पॉकेट में हार्ट अटैक का दवाई था। देखिए रेशम को कुछ भी समझ नहीं आया होगा, नहीं तो अब तक आपके दीदी के पास पहुंच ही जाती। रेशम को दवाई मिलने के बाद भी वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, इसीलिए मामा मामी भी शांति से सो गए। और सुबह रेशम, रेशम। जी मामी जी। पूरे महल में अच्छे से झाड़ू पोछा लगा दो, अभी पूरा घर गंदा होकर पड़ा है। पूरे महल में? हाँ, मामी ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया तुझे? अच्छा वो क्या है ना मामी जी, कल मैं जो सारे कपड़े धो रही थी उसमें मामा जी के एक कुर्ते से मुझे एक मेडिसिन मिला है। अरे 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 डरिए मत, मैं तो ये बोल रही थी कि उस ट्रिप से मेरा हाथ कट गया है, बहुत दर्द कर रहा है सच में, इतना सारा झाड़ू पोछा मुझसे नहीं हो पाएगा, आप समझ रही है ना मामी जी? अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ। लगता है जलेबी का प्लान उस पे ही भारी पड़ गया। मैडम ये लीजिए। रेशम वो लिफाफा पोस्ट पियोन से ले ली। तहसीलदार ऑफिस से मामा जी के नाम पे लेटर, मामा जी तो घर पे नहीं है, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट होगा, मैं देख लेती हूँ खोल के। जब रेशम वो लिफाफा खोल के देखी तो एकदम दंग रह गई, क्योंकि उस लेटर से साफ पता चल रहा था कि जमींदार राजेंद्र नाथ जी की जमीन शारंग के नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इतना बड़ा धोखा! रेशम को ठीक पता था अगर वो ये बात अपनी सास को बताएगी
तो जलेबी उनका माइंड वॉश कर देगी। इसीलिए उसने वो लेटर को संभाल के रखा और समीर के आने का इंतजार किया। आज ये जलेबी को सीधा ना किया ना तो मेरा नाम भी रेशम नहीं। आने दो इनको। रेशम वो लिफाफा छुपा के चली गई और जलेबी बड़ी होशियारी से वो लिफाफा लेकर उसे जला दी। मुझे मजा चखाएगी, अब देखती हूँ उसे। हाँ, और जब समीर शाम को घर आया तब रेशम को वो लिफाफा और कहाँ से मिलता वाला? इतना परेशान होकर क्या ढूंढ रही हो तब से? कुछ रखी थी यहाँ पर, अब मिल नहीं रहा। खैर छोड़ो, बाद में ढूंढ लूंगी। तुम बताओ, कुशलपुर वाले फैक्ट्री में उस घोटाले का क्या हुआ? अभी तक कुछ सही से पता नहीं चल पाया, पर तुम्हें पता है? घोटाले का तो पता नहीं, पर मामा जी इस बार रंगे हाथों पकड़े जाने से बच गए। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब लगता है अब बहू रानी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्दी वो हमें पकड़ लेगी। जलेबी रानी, क्या कहते हो? जलेबी हूँ मैं, मुझे सीधा करना इतना आसान नहीं। आप ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए, अब उससे मजा चखा के ही दम लूंगी। हाँ, अब जलेबी कंचन देवी को बहला फुसला कर रेशम से घर का सारा काम करवाने लगी। उससे हमेशा ही फालतू के काम में फंसा के रखती थी ताकि रेशम को कुछ सोचने का या करने का वक्त ही ना मिले। पर एक दिन रेशम इस बारे में समीर से बात करने बैठी। देखिए, आप रोज रात को इतना टायर्ड रहते हैं तो मैं आपसे बात ही नहीं कर पाती। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बोलो। देखिए, माँ जी और मामी जी मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। ऊपर से हर बात पे मुझे और मेरे बाबूजी को भिखारी भिखारी बोलते हैं। मुझसे ये सब झेला नहीं जा रहा अब। रेशम, अच्छा बताओ भला, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे नोकझोंक नहीं होता? अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर क्यों इतने छोटे छोटे बातों पे ध्यान देती हो? अब ये तुम्हारा घर है, इसे तुम्हें ही संभालना है, समझी पगली? पर रेशम को समीर बड़े प्यार से समझा के फैक्ट्री निकल जाता है और तब शुरू होती है रेशम पे अत्याचार। बहू, बहू। जी माँ जी। ये ले अलमीरा की चाबी और 50,000 रुपए निकाल के ला, कुछ लोगों को पेमेंट देना है आज। ठीक है माँ जी। तब जलेबी रेशम से चाबी छीन लेती है और दीदी, आप दहेज के रकम के बारे में भूल गए क्या? जिसकी जितनी औकात उससे उतने में ही रहने दीजिए, सर पे चढ़ाएंगे तो आप पे ही भारी पड़ेगी। हाँ, मैं कह देती हूँ। मामी जी, पैसा मैं निकाल कर लाती हूँ। दीदी आप चिंता मत करो, जब तक मैं आपके पास हूँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे एक बार नहीं, बार बार रेशम को हर एक बात पे जलील किया जाता था। घर का सारा काम और ऊपर से इतनी जिल्लत, रेशम का तो दम घुटने लगा था उस महल में। ना किसी को कुछ बोल पाती थी और ना ही सह पाती थी। फिर एक दिन शाम को जब समीर अपना काम खत्म करके घर पहुंचा, उफ, बहुत थक गया हूँ। फैक्ट्री में आज इतना सारा काम था कि पूछो ही मत। लंच करने को टाइम ही नहीं मिला मुझे। तुम जल्दी से खाना लगा दो रेशम, प्लीज। रेशम, क्या हुआ रेशम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? लगता है बुखार हो गया, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुखार है, अभी हॉस्पिटल चलो। समीर रेशम को लेकर हॉस्पिटल निकला। बेटा कहाँ जा रहा है इतने रात को? माँ, रेशम को बहुत ज्यादा बुखार है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ मैं।
देखा दीदी, अब बेटा भी हाथ से फिसल रहा है, संभालो। अब कंचन देवी को लगने लगा बेटे को बहू बहला फुसला कर अपने तरफ कर रही है, इसीलिए वो जलेबी के साथ मिलकर रेशम के खिलाफ साजिश रचने लगे। और एक दिन जब समीर फैक्ट्री से घर पहुंचा, ओहो, सर फटा जा रहा है, अब इतना सारा काम नहीं हो पाता मेरे से, सुबह से शाम तक कितना करूं मैं अब, हे भगवान, जमींदार जी मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए। दीदी हमारा क्या है, हम तो पराए हैं, मेरे पति के साथ तो बहू नौकर की तरह बर्ताव करती है, पर तुम्हारा सोच के मुझे ज्यादा दुख हो रहा है, बुढ़ापे में ये सब दिन देखना पड़ रहा, इस महल की मालकिन हो आप, पर हालत किसी नौकरानी से कम नहीं। हाँ, ये सब सुनकर समीर बहुत गुस्सा हो गया। रेशम, रेशम। जी आई, क्या हुआ? तुम माँ और मामी से इस उम्र में घर का सारा काम करवाती हो? मैं काम करवाती हूँ? आप ऐसे बोल रहे हो? तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। समीर अपने माँ और मामी का ड्रामा बिल्कुल समझ नहीं पाया और रेशम पे बहुत गुस्सा हो गया, और ऐसे रोज रोज के झगड़े से पति पत्नी के रिश्ते के बीच एक बड़ी दरार आने लगी थी। फिर एक दिन समीर फैक्ट्री जाने के बाद रेशम की सास और जलेबी दोनों मिलकर उसे रोज की तरह टॉर्चर कर रहे थे। छी छी छी, ऐसा खाना बनाती है कुत्ता भी ना खाए, छी, ऊपर से कुछ बोलो तो जुबान भी बड़ी तेज चलने लगती है। हाँ, जैसा बाप वैसी बेटी, धोखेबाज, झूठे मक्कार इंसान है ये लोग। माँ जी, मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं, ऊपर से इतनी बातें भी सुनाते हैं, क्यों माँ जी, मेरी क्या गलती है? मामा मामी दोनों मिलके हमारा घर तोड़ना चाहते हैं, पर आपको कुछ भी समझ नहीं आता। देखना माँ जी, एक दिन आप पछताएंगे, पर तब सब कुछ आपके हाथ से निकल गया होगा, बस रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा आपके पास। और रही बात धोखेबाजी की, जब आपको पता चलेगा कि मामा मामी दोनों मिलके क्या क्या धोखा किए हैं आपके साथ, ये जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, याद रखना ये बात। अपनी सास से ऐसे बात करती है और भाई बहन में दरार डाल रही है, दीदी इसको आज इसकी औकात दिखा ही दो। ये बोलकर जलेबी कंचन देवी को एक छड़ी दे देती है, फिर कंचन देवी रेशम को मन भरने तक पीटते हैं। और ठीक उसी समय रेशम के पिताजी रामनाथ अचानक से वहाँ पर पहुँचकर ये सब कुछ अपने आँखों से देख लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, अब तक जमींदार के महल को दूर से देखा था, आज पहली बार अंदर से देखने को मिला। अरे रामनाथ जी, आप ऐसे अचानक, पहले बोलते आप आ रहे हैं। अचानक नहीं आता तो मेरी बेटी पे क्या जुल्म हो रहा है ये अपने आँखों से कैसे देख पाता। मैं आप लोगों का कहा हुआ हर बात माना ताकि मेरी बेटी इस महल में खुश रहे, पर मुझे क्या पता था बाहर न्याय करने वाले जमींदार के घर में भी ऐसे अन्याय होता होगा। बाबूजी, चलो बेटी चलो, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी जुल्म बर्दाश्त करेंगे, अभी चलो तुम मेरे साथ। बाबूजी, इनके आने तक? नहीं बेटी, यहाँ पर और नहीं रुकना, बहुत हो गया। तुम्हारा पति तुम्हें सच में चाहता होगा तो वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। रेशम अपने बाबूजी का कहा मानकर उसी वक्त उनके साथ अपने घर चली जाती है। जलेबी, तेरे कहने पर मैंने बहू को इतना मारा कि उसके बाबूजी उसे घर ले गए, अब मैं अपने बेटे से क्या बोलूंगी, ये तो गलत हो गया, अब समीर बहुत गुस्सा करेगा। कुछ गलत नहीं हुआ है दीदी, सब एकदम सही हुआ है, वो इस घर में रहने के लायक ही नहीं थी,
एक दिन वो आपको ही इस महल से निकाल देती। अच्छा हुआ बला टली, एक पैसे की औकात नहीं और नखरे हजारों। आप चिंता करना बंद करो, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस मेरे हाँ में हाँ बोलते रहना। फिर शाम को जब समीर फैक्ट्री से घर वापस आया, मैं क्या करूंगी अब, अपने बेटे को क्या बोलूंगी, हे भगवान। और क्या बोलोगी दीदी, सब सच सच बोल देना, अब सच छुपाने से क्या फायदा। क्या हुआ माँ, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? बेटा, बहू आज मुझे और तेरे माँ को अच्छा खासा सुना के अपने मायके चली गई। क्या, ये क्या बोल रहे हो मामी? हाँ बेटा, सबको बहुत गाली की, फिर तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई बहुरानी। नहीं नहीं रेशम, ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे लाने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम, वापस मत ला उसे। हाँ हाँ दीदी सही बोल रहे हैं, वो हमसे काम करवा करवा के हमें मार ही डालेगी। एक तू है कि उसे वापस लाने को सोच रहा है, और वो तेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती बोल कर गई है। रेशम ऐसे नहीं बोल सकती। तो क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं बेटा? हाँ बेटा, तेरी माँ तो बहू के पैर भी पड़ी, फिर भी वो किसी की नहीं सुनी। इस घर का मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी है। समीर को मामा मामी मिलकर रेशम के खिलाफ इतना बोले कि समीर बहुत गुस्सा हो गया, और वो रेशम से कांटेक्ट करने की सोचा भी नहीं। देख रेशम, जो होना था वो हो गया, जुल्म सेना भी पाप होता है। अंकल सही किए जो तुझे वहाँ से ले आए। मुझे किसी की भी चिंता नहीं, पर समीर जी, तू और तेरे समीर जी, अरे बाबा अगर वो तुझे सच में प्यार करते हैं तो जरूर मिलने आएंगे, क्यों इतना चिंता कर रही है? रेशम को उसकी सहेलियां जितनी भी कोशिश किए समझाने की, पर वो है कि अपने फोन से नजर ही नहीं हटा रही थी। और उधर समीर का हाल कुछ वैसा ही था। गलती उससे हुई है, घर छोड़ के वो गई है, मैं क्यों कॉल करूं? उसे ही पहले बात करना चाहिए। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट एक बार तो मेरे साथ बात कर सकती थी। मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा अब। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि पहले बात कौन इनिशिएट करेगा, इसका इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे समीर और रेशम एक दूसरे का इंतजार करते करते एक महीना बीत गया। फिर एक दिन, डिंपल मुझे लगता है अब समीर जी से बात कर लेना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा है, क्या पता वो भी तेरे कॉल के इंतजार में होंगे। पता नहीं क्यों आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, और उनकी बहुत याद आ रही है। डिंपल और रेशम के बीच बातें चल रही है, और उधर राजेंद्र महल में, बेटा रेशम को गए हुए एक महीना बीत गया है, उससे वापस आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती, पर तुम कब तक ऐसे घर पे पड़े रहोगे? बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, फैक्ट्री का काम भी देखो, ऐसे अकेले पड़े पड़े अपनी तबीयत मत बिगाड़ो बेटा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं, आज से मैं फैक्ट्री जाऊंगा। समीर फैक्ट्री जाने को तैयार हो गया। क्या बात है, फिर से कहाँ घोटाला किए हो? लगता है कुशलपुर वाले फैक्ट्री घोटाले के बारे में समीर को पता चल जाएगा। वहाँ का मैनेजर साफ साफ मना कर दिया, अब मेरे साथ हाथ मिला के कोई घोटाला नहीं करेगा, ऊपर से समीर को सब सच बोल देगा। दुर्भाग्य देखो, आज ही समीर फैक्ट्री निकल रहा है। अरे इतनी सी बात है, आपको तो पता ही होगा कि कुशलपुर फैक्ट्री पहुंचने के लिए कुशलपुर एक्सप्रेस हाईवे देकर जाना होगा,
और उस रोड पे आए दिन कितने सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, क्यों? जलेबी रानी। समीर कुशलपुर निकल गया और जब हाईवे का रोड शुरू हुआ तो उसके गाड़ी के सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। फिर वो ट्रक समीर के कार को धक्का मार के वहाँ से गायब हो गया। एक्सीडेंट से समीर बेहोश हो गया था। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ लोग समीर को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के बेड पे समीर को होश आया। समीर जी, घबराने की कोई बात नहीं, सर पे चोट लगने के कारण आप बेहोश हो गए थे। थैंक गॉड आपको कुछ भी इंटरनल इंजुरी नहीं है। थोड़ा रेस्ट कीजिए, कुछ रूटीन चेकअप करके कल सुबह आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसे एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, और समीर को उस ट्रक वाले पे डाउट भी होने लगा था। मुझे पक्का यकीन है वो ट्रक वाला जानबूझकर मेरे कार से टकराया, पर क्यों? ये सब सोचते सोचते समीर को बेचैनी सी होने लगी। फिर वो अपने बेड से उठ के बाहर की तरफ जा रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी रेशम और उसके बाबूजी के ऊपर। तब रेशम और उसके बाबूजी एक नर्स से कुछ बात किए और वहाँ से चले गए। समीर दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। सिस्टर, वो रेशम जो आपसे अभी अभी बात कर रही थी, उनकी तबीयत कुछ खराब है क्या? अरे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो प्रेग्नेंट है, चेकअप के लिए आए थे। सिस्टर से रेशम की प्रेगनेंसी की बात सुनकर समीर खुशी से झूम उठता है और उसी वक्त वो हॉस्पिटल से छुप कर निकल जाता है रेशम से मिलने। भैया सज्जनपुर चलेंगे? 500 लगेगा सर। अरे भाई जो लेना है ले लेना, अब जल्दी चलो। समीर टैक्सी पकड़कर रेशम के घर निकल गया और उधर रेशम के घर पे, अब तबीयत कैसी है बेटी? बहुत थकान महसूस हो रहा है बाबूजी, मुझे समीर जी की याद आ रही है, क्या उन्हें इस बारे में बताना नहीं चाहिए हमें? हाँ हाँ बेटी, उनका पहले हक बनता है जानना, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उठने के बाद उनको खुशखबरी दे देना। ठीक है बाबूजी। रेशम आराम करने अंदर के कमरे में चली जाती है और तभी, प्रणाम बाबूजी। समीर बेटा आप आइए, अंदर आइए, सर पे ये पट्टी कैसा? वो सब छोड़िए बाबूजी, रेशम कहाँ है? इतने दिनों के बाद रेशम की याद आई, अभी बुलाता हूँ। रेशम बेटी देखो कौन आए हैं। रेशम समीर को देख के बहुत खुश हो जाती है। अरे आपको क्या हुआ है, ये पट्टी कैसा? पट्टी का छोड़ो, तुम इतनी बड़ी खुशी की बात मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे हॉस्पिटल से पता चला। मुझे भी तो आज सुबह सुबह पता चला है, मैं आज आपको बताने ही वाली थी, पर आपको भी इतने दिनों के बाद मेरी याद आई। तुम भी तो मुझसे मिले बिना घर छोड़ के आ गई। मैं क्या करती, उस वक्त सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे बाबूजी वहाँ पे और एक भी पल रुकने नहीं देते। बाबूजी? हाँ समीर जी। रेशम और उसके बाबूजी समीर को शादी के दिन से लेकर महल छोड़ने तक सारा किस्सा एक एक करके बताने लगे और समीर को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और उसके अनजाने में रेशम पे इतना अत्याचार हुआ था ये सुनकर शर्मिंदा भी था। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच्चाई से अनजान था और जाने अनजाने में रेशम को बहुत दुख पहुँचाया, अब मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। फिर समीर रेशम को लेकर राजेंद्र महल पहुंचा। बेटा ये क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेशम अंदर आओ, चलो रेशम हमारा सामान पैक करते हैं। बहू कहाँ जा रहे हो बेटा? आपका ये महल छोड़ के जा रहा हूँ माँ, अब यहाँ पे मैं और रेशम नहीं रुक सकते। झूठे धोखेबाज लोगों के साथ इतने बड़े महल में रहने से बेहतर होगा कि किसी किराए के मकान में मैं अपनी पत्नी के साथ सुकून से रहूं। समीर और रेशम अपना सामान पैक करके उसी वक्त राजेंद्र महल से निकल जाते हैं। ये क्या हो गया जलेबी, तू तो बोल रही थी सब संभाल लेगी,
पर मेरा घर तो पूरा बिखर गया। तेरे कहने पर मैंने बहू पे इतना अत्याचार किया, हर बात पे ताना मारा, और आज मेरा ही बेटा मुझे छोड़ के चला गया। जमींदार जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बेटा घर छोड़ के चले जाने के दुख से कंचन देवी टूट गए। अपने किए पर उन्हें पछतावा होने लगा, पर अब क्या फायदा, बेटे को तो सच्चाई का पता चल चुका था। और उधर रेशम और समीर मिलके अपने छोटे से संसार को खूब प्यार से सजाने लगे। रेशम, मैं फैक्ट्री निकल रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा, फैक्ट्री घोटाले का कुछ पता चला आपको? मामा जी ही इन सब के पीछे हैं। दूसरे फैक्ट्री के लेजर्स देखने के बाद ही पता चलेगा और कितना घोटाला किए हैं वो इतने सालों से। क्या मामा जी? खैर छोड़ो, तुम इन सब बातों का स्ट्रेस मत लो। अच्छा सुनो, हमारे महल में बहुत साल पहले हरिया और कुमुद काम करते थे। अब बेचारे बहुत बुढ़े हो गए हैं, उनके पास ना कोई काम धंधा है ना ही खाने को कुछ। अच्छा, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ वो तो है, ट्रैफिक सिग्नल में मैं उन्हें भीख मांगते हुए देखा, इसीलिए उन्हें घर बुलाया है। अच्छा सुनो, तुम उन्हें हमारे घर का सारा काम समझा देना, तुम्हें हेल्प हो जाएगा और उनको भी काम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं समझ गई। अभी आप जाइए, आपको लेट हो जाएगा। उसी दिन से कुमुद और हरिया समीर के घर का काम करने लगते हैं। फिर एक दिन, कुमुद मासी, जब मैं बहू बन के आई थी महल में तब आप तो वहाँ पे नहीं थे, फिर आप काम कब छोड़े? छोटी मालकिन, छोटे मालिक जब छोटे थे तब हम काम छोड़ दिए थे। पर क्यों? सुना है मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे, उनके रहते किसी को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, फिर आप लोग महल छोड़ के क्यों चले गए? बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे हमें, देवता समान इंसान के साथ धोखा किया है हमने। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो जी, जाओ बाहर जाओ, बगीचे का काम करो। नहीं रुको, मुझे सब सच बोलो। हरिया और कुमुद से सच सुनने के बाद रेशम के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और वो क्या करेगी उसे कुछ समझ नहीं आया। पर वो ये बात समीर को नहीं बताई और सही मौके का इंतजार करने लगी। अच्छा ये बात है, जब मामा मामी का कच्चा चिट्ठा निकलेगा तब मैं हरिया और कुमुद को लेकर जाऊंगी उस महल में। फिर देखते ही देखते 8 महीने बीत गए और रेशम तो जुड़वा बेटियों को जन्म दी। मालकिन बधाई हो। बधाई किस बात की पद्मा? किस बात की, आप तो दादी बन गए हैं, दो दो जुड़वा बेटी जन्म लिए हैं छोटी मालकिन की कोख से। आज उनके घर पे बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। क्या सच बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है वो कहाँ पे रहते हैं? क्या तुम मुझे उनके पास ले जाओगी? पद्मा कंचन देवी को समीर के घर ले गई और तब तक पार्टी लगभग खत्म हो चुका था। माँ? माँ जी आप आइए ना, अंदर आइए। कंचन देवी अपने बेटे और बहू से माफी मांगकर उन्हें महल वापस आने को बोले। मुझे माफ कर दो रेशम, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। माँ को ऐसे माफी मांग के रोते हुए देखकर समीर और रेशम अपने बच्चियों को लेकर राजेंद्र महल वापस आ गए। अब जलेबी और शारंग बड़े होशियार हो गए थे, सोच समझकर बातें करने लगे थे। अरे मेरी प्यारी बच्चियाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगी, आओ ना। नहीं, वो मेरे पास आएंगे,
चलो चलो बच्चों, मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम दोनों मेरे ऊपर बैठो। ऐसे नाटक तो रोज चलता था। फिर एक दिन रेशम दुखी होकर बैठी थी। बहू, क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? माँ जी, देखिए ना, घर का सारा काम नौकर चाकर करते हैं और मैं दिन भर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। आप मुझे हमारे जमीन का हिसाब खाता दे दीजिए, मेरा भी मन बहल जाएगा और मामा जी का काम भी आसान हो जाएगा। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। रुको, मैं मामा जी को बोलती हूँ, तुम्हें सारा हिसाब खाता दे देगा। शारंग, हमारे जमीन का हिसाब किताब अभी कौन देखता है? दीदी, मुनीम जी के जाने के बाद सब मुझे ही संभालना पड़ रहा है, और किस पे भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता हूँ मैं? आप खुद ही बोलो ना। कोई बात नहीं, हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, आज से वो देखेगी सारा हिसाब किताब। बहू देखेगी? वो क्यों ये सब काम करेगी दीदी, ये तो देख रहे हैं ना। अरे आगे चल के उन दोनों को ही तो सब संभालना है, अभी से काम सीख लेंगे तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी। मामा जी का इंतजार करते करते दो चार दिन बीत गए, पर एक भी हिसाब खाता नहीं मिला रेशम को। मामा जी, आप तो मुझे हिसाब खाता और पेमेंट फाइल्स देने वाले थे। हाँ बहू रानी, मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था, वो क्या है ना, सारे फाइल्स को चूहे कुतर दिए हैं, अब कहाँ से लाऊं मैं फाइल्स। लगता है सारा हिसाब किताब शुरू से करना पड़ेगा। चूहे कुतर दिए? ये क्या बोल रहे हो शारंग, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। चूहों का क्या, कभी भी कुछ भी काट खाएंगे। मुझे ठीक पता था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने सारे फाइल्स दो दिन पहले ही निकाल ली थी। क्या? अरे वाह, रेशम का पहला चाल तो बड़ा शानदार रहा। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। रेशम को तो जैसे जन्नत मिल गई थी, वो जिस मौके की इंतजार में थी अब वो मौका हाथ में आ चुका था। अब रेशम पिछले 20 साल की सारी फाइल्स निकाल कर चेक करने लगी और एक ही हफ्ते में मामा जी का कच्चा चिट्ठा तैयार करके रख दी। ये हो गया मामा जी के अकाउंट में गए हुए पूरे पैसों का हिसाब। हाँ, इसे संभाल के रखना पड़ेगा अब। रेशम, काम हो गया? जी हो गया, पूरे 20 साल के घोटाले की लिस्ट तैयार हो गई है। और फैक्ट्री के घोटाले का कुछ प्रूफ मिला? सारे फैक्ट्री के मैनेजर्स को अकेले में मीटिंग बुला के मैंने पूरा हिसाब निकाला है। अब तक मामा जी कुछ 2-3 करोड़ अपने जेब में डाल चुके हैं। अच्छा, 2-3 करोड़, अब वक्त आ गया है, क्या कहते हो? हाँ, कल सुबह फैसला करते हैं, अब देर नहीं करनी चाहिए। सुबह होते ही समीर और रेशम मामा मामी को बुलाने उनके कमरे की तरफ जा रहे थे, और तभी, उस दिन मैंने बोला था छोटा सा एक्सीडेंट मत करो, पूरा कार ही उड़ा दो समीर का, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पर नहीं, बाद में कर लेंगे बोल के टालते गए, और आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है हमको। समीर का छोड़ो जलेबी, मैं उसे कैसे भी करके समझा दूंगा, पर वो रेशम के हाथों में जो लगा है उसका क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मामा जी, चाय पीने आ जाइए, माँ जी इंतजार कर रहे हैं आपका। जैसे ही शारंग और जलेबी बैठक में पहुंचे, समीर मामा जी का किया हुआ एक एक घोटाले के केस का फाइल पढ़ने लगा। फिर उसके बाद रेशम भी पूरे 20 सालों से जमीन की फसलों से लूटे हुए पैसों का हिसाब दिखा दी। शारंग, तूने मेरे साथ धोखा किया?
दीदी मुझे फसाया जा रहा है। इतने सालों से मैंने जीजाजी का सारा काम संभाला, अब मेरे पे ही तुम सब मिलके दोष दे रहे हो। नहीं दीदी नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कर सकता, जरूर इसमें किसी और का हाथ है। मुझे पता था मामा जी आप ऐसे ही कुछ ड्रामा करेंगे, इसीलिए मैंने और एक बंदोबस्त करके रखा है। कुमुद मासी, रेशम के बुलाते ही हरिया और कुमुद बैठक में आ गए। हरिया कुमुद, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? फिर उस रात क्या हुआ था, हरिया और कुमुद एक एक करके बोलने लगे। और जमींदार जी का खून असल में शारंग और जलेबी ही किए थे, ये माँ जी को पता चल गया। तुम दोनों उसी वक्त मुझे क्यों नहीं बोले सच क्या है? हमें शारंग जी और जलेबी डरा के यहाँ से दूर भगा दिए थे। अगर हम किसी को सच बोलते तो ये दोनों हमें भी मार डालते मालकिन। और एक बात मामा जी, आपको तो डिजोक्सिन टैबलेट के बारे में याद ही होगा। माँ जी, हमारे मुनीम जी को भी हार्ट अटैक की दवाई देकर मामा जी ही मार दिए थे, क्योंकि दहेज का जो 30 लाख चोरी हुआ था उसके बारे में मुनीम जी को सब पता चल गया था, और वो मुझे बताने ही वाले थे कि उसी दिन उनकी मौत हो गई, पर मुझे हिसाब खाते से ही पता चला शादी के सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर मामा जी ने एक हीरे का हार और एक जमीन मामी जी के नाम पे खरीदे थे, जिसको मुनीम जी खाते में लिख दिए थे। और मामा जी को क्या पता था कि ये खाता मुझे मिल जाएगा। ये सब सुनने के बाद कंचन देवी के जुबान में जान नहीं थी कि वो किसी को कुछ बोल पाते। आज जमींदार जी होते तो ये दोनों धोखेबाजों को गांव वालों के हवाले कर देते। बेटा याद रखना, इनके पास एक फूटी कौड़ी भी ना रहे और सारे गांव वाले मिलकर इन्हें धक्के मार कर इस गांव से निकाल दें। कंचन देवी के हुक्म के हिसाब से शारंग और जलेबी को बेइज्जत करके गांव से निकाला गया। इस घटना के बाद वो दोनों कहां गए किसी को कुछ पता नहीं। राजेंद्र महल में अब सब खुशी से रहते हैं, ना धोखेबाजी ना कोई फरेब, बस प्यार ही प्यार है चारों तरफ। पापा मुझे 1 रुपया दो ना। क्या करोगी बेटी? देखिए ना पापा, वो दोनों भिखारी कब से बैठे हैं, कुछ खाने पीने को नहीं है उनके पास। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला करे। इसके साथ ही हम खानदानी बहू का ये सीरीज समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नमस्ते।